लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर फेसबुक पेज न्यूज 36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। न्यूज 36 के जम्मो दर्शक मन के स्वागत है खबर 36 मा। ता आवा खबर मा आगु बढ़बो। प्रतिभा कोनो डिग्री के मोहताज नहीं रहे और न ही ये ला कोनो सम्मान के जरूरत रहे। अगर मन मा कुछ अलग करे के जोश जुनून और चाह रही थे तब वो चाहला राह घलो मिलते। एकर बर बस जरूरत रही थे मेहनत लगन और ईमानदारी ले काम करे के। कुछ ऐसन है एक गुदरी के लाल है जेकर नस नस माँ चित्रकारी खून बन के दौड़त रही थे। तिल्दा नेवरा ब्लॉक के गांव कुर्रा माँ एक ऐसन गांव है जिहां ले आज तक कई बड़े बड़े कलाकार और प्रतिभा के धनी हस्ती मन जन्म लेन अब ये मन केवल छत्तीसगढ़ भर में ही नहीं बल्कि पूरा भारत में सफलता के परचम लहराइन। वही माँ एक जन कलाकार ऐसे है जिन्हा गरीबी के मार झेलत अभाव के जिंदगी जियत कभू हार नहीं मानिस और अपन कलाकारी ला जिंदा रखत आज अपन चित्रकारी ले सबके मन ला मोह लेते। युवा चित्रकार जयप्रकाश धीवर ये एक ऐसा युवा चित्रकार हरे जिन्हा बचपन ले चित्रकारी करत आवत है। गरीब परिवार में जन्म लीस पेट और परिवार के खातिर एला कई प्रकार के काम घलो करना पड़ीस। दुख दर्द ला पी के संघर्ष के रद्दा चुनीस। अपन बचपन ले चित्रकला के डहर ज्यादा झुकाव हो ले ब्रश कूची रंग कागज ला अपन संगी बना के हृदय के भाव जाहिर करते। एक कलाकार कोनो ला एक ही बार मा देख के ओकर फोटो और स्केच बना देते। एला चित्रकारी के संगे संग पेंटिंग मेहंदी और रंगोली के क्षेत्र में घलोक खास पहचान मिला थे। देखो हमर तिल्दा नेवरा रिपोर्टर केशव पाल और युवा चित्रकार जयप्रकाश धीवर के खास बातचीत। संगवारी हो जय जोहार, स्वागत है अपन के आपके अपन मन के चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। संगवारी हो आज हम बात करबो हमारे बीच नवा उभरत चित्रकार जिन चित्रकारी के क्षेत्र में अपन नवा पहचान बनावत है और चित्रकारी के संग संग मेहंदी रंगोली में भी अपन नाम के पहचान बनावत है। ऐसा है हमार एक शख्स हमारे बीच बैठे है जयप्रकाश धीवर ग्राम कुरल है। आवा एक संबंध में बातचीत करवो तो जयप्रकाश जी हमार मन के चैनल में आप मन के स्वागत हवे। आप मन बताते हो कि कब से चित्रकारी करत हो और इस क्षेत्र में कैसे आना हो इस कि चित्रकारी के काम करे जाए हमारे दर्शक मोला पता। चित्रकारी के शौक तो वैसे बचपन से है मोला लेकिन का है ये सब चीज में हमला उतना पता नहीं रहा कि चित्रकारी आगे चल के का हो सकते इसी टाइप से तीगर कारण छोड़ दे रही हूँ। इंसान आगे बढ़ सकते ये सब सोच के ये काम कर रहे हूँ। चित्रकारी वैसे तो घर में ही करते रहे पहले शुरू का है मैं फेसबुक में शिवा मानिकपुरी सर है वाला देखे हूँ ओकर पेंटिंग वाला देखे बहुत जबरदस्त लगी से तो मोला लगी से कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ इसे करके ओकर बाद ओकर पास नंबर मांग के सीखे बरी हूँ ओकर बाद लगी से मोला कि हाँ मैं भी ये सब चीज कर सकता हूँ इसे करके। आर्टिस्ट की जिंदगी में शुरू शुरू में मतलब शुरुआती दौर में तो उतार चढ़ाव तो हुआ थे लेकिन धीरे धीरे करके मतलब जुनून के साथ आगे ले बढ़ते जो भी करे था वो लगन के साथ मन के साथ करो सब की सुनो लेकिन खुद की से करो। तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि हम मन बात करें एक युवा चित्रकार से जेकर मन के ध्येय वाक्य है कि सुनो सबके और करो अपन मन के। तो वास्तव में आप मन देख सकता हो कि कैसे एक अपन मन के भावना ला अपन प्रतिभा ला ब्रश के सहारे रंग के सहारे उकेरत है और अपन एक नया मुकाम हासिल करत है। तो संगवारी हो यही समय संग जयप्रकाश धीवर जी अवैया कड़ी में फिर इसने कोनो प्रतिभा के धनी से हमन मुलाकात करबो और बात करबो। तब तक मुला देवा विदा जय जोहार।